Welcome back. Still at the Dashashwamedh Ghat as they're getting set for the Ganga Aarti, and there is Shiva Rock playing in the background. But what we did is we said, what does the current generation think? Banaras Hindu University has been the hub not just of education but also of politics and political thinking. Here's a conversation with some of the students at BHU that I had earlier in the day. It was envisaged as a seat of learning, and it continues to be. I'm here at the Banaras Hindu University, और मेरे साथ कुछ छात्र हैं, तो सीधा उनसे ही बात करते हैं. अलग अलग स्ट्रीम से हैं, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, लेकिन सब यहाँ इस काशी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के में रहते हैं, शरीक हैं और यहाँ पढ़ते भी हैं. तो इन्हीं से जानते हैं. सबसे पहले आप सबको नमस्ते. अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से शुरू करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन काशी जो है वो दुनिया के सामने एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि एक रिवाइवलिज्म हो गया है, वापस सबके कहते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन पे आ गया है. पर जब से वो यहाँ के एमपी बने हैं, काशी में जो हुआ है अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी है? जी जरूर, तमाम चीजें हुई हैं, सड़कें सही हुई हैं, लेकिन जो कंपनियां आती हैं हमारे यहाँ, क्या होता है, सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ही चीजों को. सड़कें सही हुई हैं, प्रधानमंत्री जी आए, रात को बढ़िया चमाचम हो गया. उनके जाने के बाद फिर सड़क खोद दी जाती है, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो उसको ठीक तरीके से करना चाहिए. और जरूरी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, घाटों की सफाई आज देखने को मिल रही है. ये वास्तविक में है, आप घाट पे जाएंगे, जो घाट पे लोग रहते हैं वो आपको बताएंगे. और विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, एक नई अस्पताल बीएचयू को इतना बड़ा मिला. खैर उसमें अभी लोग बैठ नहीं रहे, उसका सदुपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. वो आग के अस्पताल, यहाँ आप बगल में वैधि विज्ञान केंद्र देखेंगे. हाँ, तो ऐसे तमाम चीजें हो रही हैं. हो तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आइडिया अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन यानी इमारत बन गई, कॉरिडोर बन गया, लेकिन उसका चलना, उसका सुचारू रूप से चलना, उसका प्रयोग, ये तो फिर काशीवासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई. हाँ, ये बात तो ठीक है, संस्थान बन जाना और उसको चलाना लोगों की जिम्मेदारी है. और बनारस के लोग हमेशा तो जिम्मेदार रहे हैं. उन्होंने मोदी जी को चुना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई और दो बार चुना. सबसे अच्छी बात तो यही है कि बनारस में मोदी जी को चुनने के बाद आप देखेंगे हमारी सांस्कृतिक धरोहर काशी विश्वनाथ मंदिर, उसका पुनरुद्धार किया, बहुत अच्छा कॉरिडोर बनवाया और कल मोदी जी ने यहाँ समय दिया. उसके बाद हम देखेंगे सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है. पहले बनारस में तार आपको ऊपर दिखते थे, अभी देखेंगे आप मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे नए नए लाइटिंग लगाई गई है बनारस में. तो कल्चर के साथ एक मॉडर्न खूबसूरती बनारस को दिखने लग गई है. शायद क्योटो के रास्ते पे धीरे धीरे बनारस आगे बढ़ रहा है. वक्त लगेगा लेकिन हम आगे जाएंगे धीरे धीरे. लेकिन कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये सब दिखावा है, इट्स नॉट इनफ, और इसकी वजह से कई लोग होंगे जो कि इस पर एग्री ना करें, डिसएग्री करें. कोई चीजें हैं जो आपको लगता है ठीक नहीं हुई या और बेहतर हो सकती? कई सारी चीजें हैं. अगर मोदी जी के काम को देखना है यहाँ पे, तो 6-7 साल पहले जो स्थिति थी बनारस की उसको देखें और आज देखें तो काफी कुछ बदलाव दिखाई देता है. लेकिन क्या है कि यंग जनरेशन है, उसके एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं. जैसे ही कुछ अच्छा होता है हमारे विचार में, हमारे दिमाग में कुछ आता है कुछ और अच्छा होना चाहिए. पहले से तो अच्छा हुआ है लेकिन जो ह्यूमन बॉडी हमेशा इवॉल्व करती रहती है तो कुछ ना कुछ बढ़िया के ध्येय में रहता है और हमें बाकी उम्मीदें में कि और बढ़िया अच्छे से होगा. यहाँ पर अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में सब कुछ सही हो रहा है? नहीं, बीएचयू में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये सरकार ने कुछ नहीं किया. आप बता रहे हैं दिस इज द साइट ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग साइट पे आप मंदिर की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट मतलब टॉलरेबल एट ऑल. एजुकेशनल वैल्यू सेकुलर वैल्यू होता है, हमें सेकुलर के वैल्यूज के साथ बात करनी है. रही बात बनारस क्यों जाना जाता है, बनारस की खूबसूरती इज फॉर इट्स एलए, उसकी गलियों के कारण थी, ना कि चौड़ी चौड़ी सड़क के कारण. लोग जो विदेश से सैलानी आते थे ना, उनके भी देश में चौड़ी सड़क होंगी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करी जाए, डेवलपमेंट बहुत पहले आ गई है. लेकिन भारत की सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है और बनारस की स्पेशलिटी थी उसकी एलेज, उसकी गलियां, उसको खत्म कर दिया गया, मतलब यहाँ की संस्कृति को खत्म कर दी गई. और जो कॉरिडोर और जो मंदिर बनाने की बात हो रही है तो मंदिर बनाया नहीं गया, मंदिर हजारों साल पहले था. उसमें किसी खास वर्ग के किसी खास कॉरपोरेट को फंड दे के उसको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मंदिर नहीं बनाए गए, ना धर्म बनाए गए. और ऐसा यदि लोगों का मानना है कि रिवाइवल हुआ है तो रिवाइवल शंकराचार्य के समय से हो रहा है. मोदी एक पॉलिटिकल लीडर है, ना वो आइडियोलॉजी है और ना वो हिंदुइज्म के कोई
गॉड है या गॉड फादर है, तो ऐसा हमें उन्हें देखना कि उन्होंने जो काम किया वो डेवलपमेंट के लिए किया, एकदम नहीं, उन्होंने एक खास स्पेसिफिक क्लास के लिए वो डेवलपमेंट का काम किया, और छात्रों के लिए तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। जिन गलियों की ये बात कर रहे थे, आज सुबह मैं कुछ सीनियर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जैसे लोग यहाँ कर गंदगी को देखने की वजह से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बिना वापस लौट गए। छोटा सा प्रसंग है, 1916 में जब महात्मा गांधी यहाँ बोलने के लिए आए तो वो बोलने चले तो राजा महाराजा अपने हार पहने हुए बैठे हुए थे, तो गांधी जी का पहला ही कटाक्ष था कि इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतनी सड़ांध है यहाँ पर, आपको शर्म नहीं आती है कि आप हिंदू धर्म के इतने बड़े उपदेशक बने बैठे हैं, कोई विदेशी आता होगा तो क्या देखता होगा, संस्कृति क्या है बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, गलियों में संस्कृति है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, द नोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज वेरी ओल्ड इन इंडियन स्क्रिप्चर, जस्ट गो एंड रीड इट। मॉडर्नाइजेशन में रैशनल थिंकिंग ह्यूमनिज्म आता है। अब ये बनारस वासियों के ऊपर है कि वो कितनी रैशनैलिटी लाते हैं, वो केवल बनारस ही नहीं पूरे भारत के ऊपर है। ना आपके पास ह्यूमनिज्म है, ना आपके पास रैशनल थिंकिंग है, तो कहा है कि मॉडर्नाइजेशन, शर्ट और टाई लगाना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता, ये चीज समझना पड़ेगा। अब ये जो डिस्कोर्स है, और आप लोग पॉलिटिकली भी अवेयर हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि इस कॉरिडोर को जल्दबाजी में इसलिए फिनिश कर दिया गया ताकि आचार संहिता लगने से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाए, चुनाव पर इसका असर होगा। 2019 में नॉमिनेशन फाइल करने से पहले चुनाव के उन्होंने कॉरिडोर की बात की, 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कॉरिडोर समाप्त हुआ। दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट यह है कि देखिए कॉरिडोर हुआ तो सही, किसी ने किया तो सही, बनाया तो सही, और 40 पुराने प्राचीन मंदिर थे जो लुप्त हो गए थे जो अब सामने निकल के आ गए हैं, अब उनको बचाया जाएगा। लोगों का है कि वो जो वहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट्स थे वो चले गए। अब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर लार्जली आपको क्या लगता है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, मोदी जी ने तो पहले ही कॉरिडोर शुरू कर दिया था, उस टाइम अखिलेश का सरकार था, उनका तो ये था नहीं कि बीजेपी यहाँ यूपी में है इसलिए हम कॉरिडोर बनाएंगे, उनकी तो नियति थी कि हमको महादेव की सेवा करना है, काशी में सेवा करना है, तो वो तो पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, वो चुनाव का कोई स्टैंड नहीं था, जो टाइम लगा वो ये लकली अच्छा है कि चुनाव से पहले ही तैयार हो गया है। तो ऐसा है, तो आपको लगता है कि यदि यदि काम काम के नाम पे वोट मांगना गलत है तो फिर कोई जो जो भी सरकारें हैं वही देती है, हम ये चीजें बनाई, तो यदि हमने अच्छा काम किया, ऐसा काम किया, तो इस पे नाम, इस काम के नाम पे वोट मांगने में कौन सा बुराई है? कौन सा बुराई है? पॉलिटिकल पार्टी चुनाव, एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल का एक प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव जीतना और अपने राजनीतिक विचारधारा को फैलाना। अगर ये एक अच्छा काम हो रहा है तो उस अच्छे काम का क्रेडिट क्यों न लिया जाए आचार संहिता से पहले करके। ये एक पंथ दो काज हो गया, एक अच्छा काम भी हो गया, उसका मुझे फायदा भी मिल गया, तो एक बहुत चतुराई का काम है। हर एक राजनीतिक दल को ऐसा सीखना चाहिए और हर एक नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए, सकारात्मक चीजें लगानी चाहिए। और एक और चीज, गलियां चौड़ी नहीं हुई है, जो सड़कें गलियां हो गई थी वो वापस सड़कें हो गई हैं, और गलियां अभी भी गलियां ही हैं, कचौड़ी गली हो, चाहे मणिकर्णिका के बगल वाली गली हो, चाहे मैदाकिन के सामने वाली गली हो, सब गलियां वही हैं अभी भी। आप जाइए फूल खरीदने तो गली ही मिलेगा, लेकिन ये जो नहीं होता डेवलपमेंट, दवाई पढ़ाई और कमाई, एजुकेशन एजुकेशन चल ही रहा है भाई, एजुकेशन ये ना आपने, अरे वो तो चल रहा है, वो चीज सुनिए ना, आप यूपी में बता दें योगी जी के आने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की जो नींव रखी है योगी जी ने वो 4 सालों में दिख रहा है, बाकी 70 साल में कितने आप हॉस्पिटल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए, कई सारे आईटी बने, आईएम बने, और यहाँ बता दूं मोदी जी के आने के बाद जिस विश्वविद्यालय में आप खड़े हैं ना, 8 महीने से धक्का मार कुलपति के सारे इस विश्वविद्यालय को चलाया गया, उसके बाद जो कुलपति आए हैं 1 महीने हो गए अभी तक चार्ज नहीं लिए हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप कह रहे हैं कि समाजवाद से मुक्ति पाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशलिज्म की वजह से एक लेथार्जी आई है सिस्टम में। मैं आर्गुमेंट को थोड़ा सा हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, समाजवाद की वजह से आज ये हो गई हमारी स्थिति कि हम अपनी ही संस्कृति पे सवाल कर रहे हैं, और वो सेकुलर शब्द है जो ना, उसका इतिहास कोई पढ़ के उठा के देख ले, वो आता कहाँ से है हमारे समाज, ये समाजवाद की वजह से सेकुलर आया है क्या, या सेकुलर वर्ड जो आज भूली जा रही है, भाई सभ्यता हम भूल चुके हैं। मंदिर बनने के ऊपर हम इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं, 122 मेट्रिक टन अनाज बांटा गया है पीडीएफ से, ये सरकारी बांटी है ना वो तो अनाज, उसके बाद भी वो मंदिर बना है, मंदिर बन गया, अनाज बांटा गया है, सब लोग कर रहा है। आप जो इतिहास पढ़े हैं बड़ा बताइए, 1951 के संविधान में ना सेक्युलर शब्द था ना सोशलिस्ट शब्द था, अम्बेडकर और खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आर्ग्यूमेंट्स में बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में ये दो शब्द जो है उनका प्रयोग मैं संविधान में नहीं करना चाहता। और अगर वो कम्युनिस्ट के बारे में बात करनी हो, सोशलिज्म के बारे में बात करनी है, तो अम्बेडकर जी की खुद की राइटिंग है, कलेक्टिव वर्क है, उनपे उठा के पढ़ लें,
कम्युनिज्म इन इंडिया, बुद्धा एंड कम्युनिज्म, उसके बाद अगर कोई बात करता है सोशलिज्म से, उनसे बड़ा क्रिटिक किसी का होगा तो मैं उस चीज को मान सकता हूँ। और इनकी जो बात है कि स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर तो रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर की देन है कि हम आज अपनी सभ्यता को मानते नहीं, पहचानते नहीं, जानते नहीं है। टीका लगा के चलने को यहाँ पे बोला जाएगा कोई मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, यही स्ट्रक्चर है। वो जो कलावा हाथ में पहनाया गया है, उस कलावे के ऊपर उछालना, कीचड़ उछालना, ये है इस स्ट्रक्चर की देन। ये है आज हम नेहरू से लेके गांधी से लेके सबको सिस्टम स्ट्रक्चर की बात होगी तो मैं उसमें बता दे रहा हूँ सोशलिज्म कहाँ। 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी, संविधान डेमोक्रेसी सब जेल में था, तब उस प्रियम्बल के अंदर इस चेंज को किया जाए और उसकी हम दुहाई दें, ये थोड़ा सा जमता नहीं। मैं आपको सिर्फ दो चीजें कह देता हूँ। लोग कहा समाजवाद, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँ। इतना ही अच्छा आपका समाजवाद था, 1991 में कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार, नरसिम्हा राव उस देश के प्रधानमंत्री थे और अभी हमारे जो चल रहे हैं वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन किया। इतना ही सब कुछ इस देश में अच्छा था, काहे लिए आपको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और क्यों आप लिबरलाइजेशन इस देश में लेकर आए? और सुनिए, वो कांग्रेस सरकार थी इसने लिबरलाइजेशन को इस देश में आगे बढ़ाया। और जान जाइए ये एक्सपीरियंस उन्होंने किससे लिया, चाइना से लिया, जो देंग शियाओपिंग ने 1978 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए। एक लार्जर नैरेटिव है अबाउट सोशलिज्म कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म और अगर कहा जाए तो फिर सोशो कैपिटलिज्म की अगर बात करें कि जहां आप वेलफेयर को छोड़ते नहीं है लेकिन लोगों को आगे बढ़ने से और प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म के खिलाफ भी नहीं। सोशलिज्म डजंट मीन ऑल द टाइम कीप योर पीपल इन पुअरनेस, गरीबी में रखिए, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बात भी मैं मानता हूँ। अब चलिए थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, राजनीति की बात हो रही है तो आज एक नेता है जो MP है वायनाड के, कभी अमेठी में थे, अब चले गए यहाँ से, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है हिंदू के लिए काम करते हैं, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के लिए काम करता है। ये हिंदू बनाम हिंदुत्व की जो बात हो रही है इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है? अच्छा आप बताइए। उनको ना तो हिंदू पता है ना हिंदुत्व पता है, उन्हें सिर्फ दिखता है एक खास वर्ग का वोट बैंक। उन्हें दिखता है कि अभी जनता का जो मूड है कहीं ना कहीं अपने कल्चर के प्रति वापस लौट रहा है, तो हम हिंदू या हिंदुत्व की बात करके जनेऊ दिखा के एक वोट बैंक उभार सकेंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसके पहले उन्होंने किया है, उन्होंने ही नए नए समीकरण बनाए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इस जात को इस जात के साथ मिला दो ये वोट बैंक बन जाएगा, ये उनकी राजनीति रही है। बाद में उस चीज को तोड़ के हम अपने पुरानी पद्धति पे जा रहे हैं, वर्ण पे जा रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग रहा है, तो वो हिंदू और सनातन परंपरा की तरफ अपना वही राहुल गांधी थे कि जहाँ राष्ट्रपति आवास से लेके प्रधानमंत्री आवास में रोजा इफ्तार पार्टियां होती थी। आज काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है लोकार्पण हुआ है, तो वही राहुल गांधी है जो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व तो है क्या, आप उसको अलग कैसे देख सकते हैं? पॉलिटिकली इसको क्या है, बीजेपी जैसे यूज कर रही है पॉलिटिकल हिंदुत्व, तो ये बात भी कही सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में कही, कहा जिस तरह से बोको हराम और आइसिस ने उसको जो कह पॉलिटिसाइज कर दिया इस्लाम को, पॉलिटिकल इस्लाम कर दिया, वैसे ही बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदू को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आप क्या कहेंगे? सर मोदी जी से हम बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम करे, बस फोर्थ क्लास की वैकेंसी बेची पूरी रुकी हुई है, उसको बहाल किया जब बहुत सिंपल है भाई। देखो ये सब बड़ा 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 बात है, अलग रखो, हमारा जो इमीडिएट डिमांड है उसको आप कीजिए। भैया ऐसा है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कांग्रेस बात करती है मुस्लिम समुदाय की भी, मुझे ये बताइए मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने ठगने के अलावा आज तक क्या दिया? पहली बार हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कि मदरसों में मजहबी तालीम के अलावा गणित पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाएगा। आप ये बताइए मजहबी तालीम लेने के बाद वो व्यक्ति क्या बनता है? मजहबी तालीम लेने के बाद कहीं वो नौकरी पाएगा? मोदी जी ने काम जो मुस्लिम समुदाय के लिए भी किया है वो आज तक ना तो किसी न भूतो न भविष्य थी, ये वास्तविकता है। इस देश के अंदर कोई कार्य कर रहा है सामाजिक रूप से समरसतापूर्ण तरीके से तो केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या आप लोग जो अपने अपने करियर्स में जो आप फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके कंसिडरेशन सेट में ये है कि मैं इस देश के लिए क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं? कहीं आपके मन में है सुधार, वेलफेयर, जो भी आप बने आगे, बट क्या ये आपकी प्रायोरिटी में आता है? पहला नंबर तो मतलब कुछ टर्म्स यूज हुए लाइक हिंदुत्व, हिंदुइज्म, ये जो ये इंटेलेक्चुअल स्पेयर के टर्म है, ये आप कॉमन एरेना में ले जाएगा तो वो आउट ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि मुझे
हिंदुत्व हिंदुइज्म समझने के लिए वाई आई एम हिंदू और फिर से अभिजीत पाठक सर का जो कि जेएनयू के प्रोफेसर उनका लगभग 3-4 आर्टिकल पढ़ा तब हमें समझ में आया कि व्हाट इज हिंदुत्व एंड व्हाट इज हिंदुइज्म। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है हिंदुत्व। आप देखिए ये टर्म बहुत ही माइन्यूटली पॉलिटिकल एरिना में फिट किया गया और ये हिंदुत्व जो है ये क्रिटिकल आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हाँ और हिंदुइज्म जो है लेट मी फिनिश फर्स्ट इट्स नॉट एट मी इसके मतलब हिंदुत्व पहले था ही नहीं बस बीजेपी लेके आई है तब हम हिंदू हैं। कौन चुनावी है कौन नहीं वो देखा जाएगा। देखिए माहौल बहुत गर्म हो रहा है लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है तो इसीलिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। देश के लिए कुछ कीजिएगा भले ही किसी को वोट दीजिए मत दीजिएगा देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।